Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing great. आज की वीडियो जो है ना वो थोड़ी सी अलग है, लेकिन बड़े मज़े की होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे फैंसी ड्रेसेस के हवाले से. क्योंकि अभी पिछले दिनों मेरी एक दोस्त की शादी थी, जिसके लिए मुझे काफ़ी अच्छे और फैंसी ड्रेसेस चाहिए थे. लेकिन ट्रस्ट में मैंने हर जगह से पता किया, लेकिन इतने एक्सपेंसिव जोड़े और इतने ज़्यादा महंगे और किसी काम के नहीं थे, ठीक है ना. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं खुद बनवाऊंगी. और जब मैंने वो पहने और पिक्चर्स एंड वीडियोज़ अपलोड किए, तो उसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रिस्पॉन्स जो है ना वो मुझे मिला. आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि वो ड्रेसेस मैंने कहाँ से लिए हैं, कितने के लिए हैं, सारी डिटेल्स वगैरह. और जो लोगों को मैंने बताया कि मैंने खुद बनवाए हैं, तो उन्होंने भी मेरे से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की कि बता दे कहाँ से आपने कपड़ा खरीदा है, किस तरह से बनवाए, तो सारी डिटेल्स बता दें, ठीक है. तो मैंने सोचा कि मैं इस तरह से इंडिविजुअली कैसे सबको गाइड करूँगी, तो ऐसा करती हूँ मैं एक वीडियो बना लेती हूँ जिसमें प्रॉपर मैंने सारी चीज़ें जो है वो आपको डिटेल में बता दूंगी, कहाँ से कपड़ा आया, कैसे सिलवाए, कितना उसमें एक्सपेंस आया, ठीक है. तो आज की वीडियो में हम ये सारी बातें करेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड. अच्छा, सबसे पहले जो है ना, हम यहाँ पर इस वाइट कलर की ड्रेस की बात करेंगे. ये मैंने ढोलकी पे पहना था, और आप देख सकते हैं इतना हसीन ये जोड़ा लग रहा था. और कोई बंदा ऐसा नहीं जिसने मेरे से पूछा ना हो कि ये कहाँ से लिया है तुमने ये ड्रेस, ठीक है ना. ये जो इसकी शर्ट थी ना, इस तरह का प्रिंट और आप कह सकते हैं इस तरह का कपड़ा बहुत ज़्यादा इन है आजकल. डिफरेंट कलर्स में जो है ना अवेलेबल है मार्केट में, लोग लेके इसको डाई भी कर रहे हैं. मैंने इसको डाई नहीं करवाया, मैंने इसको जो वाइट कलर में ये था मैंने इसको वैसा ही रहने दिया, क्योंकि मुझे बेसिकली वाइट आउटफिट चाहिए था ढोलकी के लिए, ठीक है. इसके ऊपर जो है ना वो डल गोल्डन कलर के सितारे जो है ना उनका प्रॉपर काम हुआ है, बहुत खूबसूरत ये कपड़ा. वैसे ही आप इसको देखेंगे ना तो आपको दिल करेगा लेने का, ठीक है. इसको मैंने पेयर अप किया है विद कलरफुल दुपट्टा. आप कोई भी दुपट्टा जो है ना इसके साथ मैच कर सकते हैं, क्योंकि व्हाइट है ना, व्हाइट के साथ तो कोई भी कलर चल जाएगा. मैंने यहाँ पर जो है ना वो ऑरेंज से कलर के, यू नो, जो गाजर का कलर होता है, उस तरह का दुपट्टा लिया था. पहले ये बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, ये दुपट्टा सूट ही नहीं कर रहा था व्हाइट के साथ. बेबी पिंक भी इसके साथ चल जाएगा, लेकिन इसके ऊपर मैंने लेसेस इस तरह से लगाई और इस तरह से प्रॉपर तरतीब दिया कि ये बहुत प्यारा लगने लग गया, ठीक है ना. खैर, ये आप देख सकते हैं वीडियो में मैंने इसको किस तरह से कैरी किया हुआ है. और अब मैं आपको दिखाऊंगी ये प्रॉपर पूरा ड्रेस, कि ये ड्रेस बना किस तरह से है और इसमें मैंने कितना कपड़ा यूज़ किया, इसके साथ नीचे ट्राउज़र किस तरह का था, वो किस स्टफ में था, और इसकी टोटल कितनी कॉस्ट मुझे पड़ी है, ठीक है ना. ये सारी की सारी बातें मैं अभी आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ. अच्छा जी, ये था वो वाइट कलर का ड्रेस जिसके बारे में सारे मेरे से पूछ रहे थे कि मैंने कहाँ से लिया है और इस पर कितना एक्सपेंस है, और इसकी सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ. तो खैर, ये जो है ना, ये भी राबी सेंटर से मैंने कपड़ा लिया था खुद, और मैंने इसको खुद स्टिच करवाया. आप जो है ना ये कपड़ा कहीं से भी ले सकते हैं, और इस बेसिकली मार्केट में ना इस स्टफ से, इस कपड़े से भरी पड़ी हुई है मार्केट सकते हैं, ठीक है. ये इसकी शर्ट है, और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत काम हुआ है. ये वाइट कलर बेसिकली ये जिसकी वजह से ये वाइट कलर की इसकी बेस लग रही है, और ये जो सितारे हैं ना ये डल गोल्डन कलर में है, ठीक है. ये इसकी पूरी शर्ट है, ये अच्छा इसका गला जो है ना वो ज़रा अंगरखा जो भी होता है उस स्टाइल में बना हुआ है. और यहाँ पर आकर जो है ना ये टसल लगे हैं, ये मेरे टेलर ने खुद से लगा दिए थे, मैंने उन्हें नहीं कहा था, बट ये अच्छे लग रहे थे काफ़ी ज़्यादा इसके साथ ना. तो इसके साथ जो बाजू है वो मैंने चुनटों वाले लिखवाए थे, ये फिटिंग बाजू है और काफ़ी लॉन्ग है, और जब आप इसको पहनते हैं ना तो एक खूबसूरत सी चुनट आपके बाजू में पड़ जाती है. और आगे यहाँ पर जो है ना बटन लगे हुए हैं. तो ये थी जनाब शर्ट, वरना मैंने वाइट कलर का, ये इतना खूबसूरत स्टफ़ है, ये भी शेमोस सिल्क है, उससे करीब तरीन है, ठीक है. ये वाइट कलर में, ये भी डाई हो जाती है, लेकिन इसको मैंने डाई नहीं करवाया. ये भी शरारा है, ठीक है, ऊपर से बंद और नीचे से खुला वाला. अच्छा, अब इस पे टोटल कपड़ा कितना लगा, ये एक शर्ट लगा हुआ है कि ये पूरे एक सूट के कपड़े से इसका शरारा बना है, क्योंकि काफ़ी लंबा है. एक घेर इसका एक काफ़ी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ जाकर इसका घेर ख़त्म हो रहा है. तो ये पूरे एक सूट का बना है. इसकी जो स्लिप है वो अलग से लगी हुई है, तो तकरीबन ये भी डेढ़ सूट है. वाइट कलर का मैंने लिया था अलग से, और ये शर्ट ली थी मैंने, शर्ट ये शर्ट का कपड़ा है खाली, और इसके नीचे जो स्लिप लगी है वो, और ये दोनों जो है ना, ये पूरे सूट का बना है और वो अलग से शर्ट थी. डेढ़ सूट का कपड़ा आपको वाइट लेना पड़ेगा, और ये आपको सिर्फ एक शर्ट चाहिए होगी. हाँ जी, वैसे जो है ना दुपट्टा 2.5 मीटर का होता है, लेकिन ये 3 मीटर का दुपट्टा है नेट में. आप देख सकते हैं ये नेट है, नेट बहुत खूबसूरत लगती है दुपट्टा. मैं तो रिकमेंड करूँगी अगर आपको कभी भी खुद बनाना हो ना, तो मोस्टली स्टफ़ जो है ना शिफॉन का अच्छा लगता है, नेट में दुपट्टे की लुक निकल आती है, ठीक है ना. खैर, ये लेंथ में काफ़ी ज़्यादा था, और इसकी जो वेट थी ना वो मैंने कम किया. ये इसकी वेट है इतनी सी बस, ठीक है, ये बस इसकी वेट थी. मैंने कहा गले में ही लेना है,
या सर पे भी लेना हो तो इतनी ज़्यादा वेट नहीं चाहिए होती आपको ना। बाकी लंबाई में ये 3 मीटर है। अच्छा, इसके ऊपर जो लेस है ना, ये मैंने पूरा पैच लिया था यहाँ से यहाँ तक, और ये जो किरण है ना, ये साथ छोटी वाली किरण लगी हुई है, बड़ी वाली नहीं लगी हुई, ठीक है। ये पूरी मैंने 3 मीटर दुपट्टे के साइडों पर लगाई थी, जिसकी वजह से दुपट्टे की लुक नज़र आ गई थी। अच्छा, ठीक है, ये शर्ट स्लिप और ये जो इसके साथ का ट्राउज़र का कपड़ा है ना, ये मुझे 4000 में पूरा मिला था सूट, ठीक है। 4000 में ये था, और 2000 लेस समेत जो है ना, मेरी दुपट्टा और लेस जो है ना 2000 के आए थे। 4, 5, 6, 6000 का यही था, और 7, 8, 8500 का ये भी सूट मेरा बन। अच्छा जी, ये जो सेकंड ड्रेस है ना, ये भी बहुत खूबसूरत है। ये मैंने वलीमा पे पहना था, और इसका कलर इतना अमेजिंग, कुछ पर्पलिश से कलर का ये ड्रेस था। ये भी मैंने खुद बनवाया है, और इसकी जो शर्ट है वो नेट की है, ठीक है। स्टफ जो है वो नेट का, उसके ऊपर बिल्कुल छोटा छोटा सा काम हुआ है मोतियों का और सितारों का, ठीक है ना, मोती और सितारों का काम हुआ है। मुझे नहीं पता इसको के अंदर सिल्वर जो है ना वो टच आ रहा था, गोल्डन नहीं आ रहा था, तो मैंने सिल्वर जो है ना ये नेकलेस लिया था, और बिल्कुल छोटी सी बिंदी लगाई थी, जिसको लगाना ना लगाना सेम ही था, बट मैंने लगा ली थी क्योंकि अच्छी लग रही थी। और इसके साथ जो है ना, मैंने शरारा बनवाया था खुला सा, और शरारे के नीचे जो है ना मैंने फ्रिल लगवाई थी और गेंजा के कपड़े की। और आप ट्रस्ट मी, इसके ऊपर इतने पैसे लगे नहीं हैं जितना ये खूबसूरत दिख रहा है, ठीक है। और दुपट्टा भी सेम सिंपल फ्रिल का ही है जो मैंने इसके साथ पहना है। आप देख सकते हैं कि ये जो है ना, इसको कैरी मैंने किस तरह से किया हुआ है। आप चलते हैं इस ड्रेस की प्रॉपर पूरी डिटेल के ऊपर, कि ये ड्रेस कितने में बना और ईच एंड एवरीथिंग हम इसको डिस्कस करें। अच्छा जी, तो ये है वो पर्पल वाला ड्रेस जो कि मैंने पहना था वलीमा पर, ठीक है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत कलर है ये, और ये सारा का सारा काम नेट पर हुआ हुआ है। अच्छा, ये ड्रेस जो है ना, ये मैंने पिंडी से लिया था, राबी सेंटर से, और ये मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिला था, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये कुछ इस तरह का इस पर काम हुआ हुआ है, ये आप देख सकते हैं, मोती और सितारा और पता नहीं क्या वो जी। तो ये था शरारा उस ड्रेस के साथ का, ये बहुत ही खूबसूरत है। अच्छा, ये भी जो है ना कपड़ा मैंने लेकर, ये भी शिमोह सिल्क में, इसको मैंने लेकर डाई कराया हुआ क्योंकि ये कलर मैच नहीं हो रहा था, ठीक है। अभी इसका घेर देख लें आप, इसका घेर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर जाकर ख़त्म हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा घेर है, ये सिर्फ एक साइड का, मतलब एक लेग का जो है ना ये पार्ट है, दूसरे का इसके नीचे है, मतलब ये दोनों पांचे जो है ना, वो मैंने इतने बड़े बड़े रखवाए थे, दोनों साइड्स इतनी बड़ी बड़ी रखवाई थी शरारे की। इसके ऊपर जो है ना कोई चुन्नट नहीं होती, ये बिल्कुल प्लेन ऊपर से तंग और नीचे से आके जो है ना वो खुला सा हो जाता है। उस पूरे एक सूट का जो है ना वो ये शरारा बना हुआ है। इसके नीचे जो है ना ये ऑर्गेन्जा का मैंने एक दुपट्टा और एक शर्ट, यानी कि ये भी एक पूरे सूट का कपड़ा लेकर, इसके नीचे जो है ना वो मैंने इसकी फ्रिल लगवाई है। इसके ऊपर जो शर्ट है ना, ये पूरी शर्ट है, ठीक है, शर्ट का कपड़ा है, और ये सेम यही कपड़ा जो है ना, ये वाला ही जो शरारे का कपड़ा है, वही स्लिप पे लगा हुआ है। मतलब स्लिप और शरारे का कपड़ा मिलाकर जो है ना, मैंने ये तकरीबन 1.5 सूट का, एक पूरे सूट का और एक शर्ट का कपड़ा लिया था। अच्छा, ये इसके साथ का दुपट्टा है, दुपट्टा जो है ना ये फ्रिल बनी हुई है, बस सिंपल सी। आप ऑर्गेन्जा का दुपट्टा, दुपट्टे जितना ही इसका कपड़ा यूज़ हुआ है, एक दुपट्टा लेके जाएँ अपने टेलर के पास, उसको बोलें कि हमें फ्रिल बना दे, तो वो इस तरह की आपको फ्रिल बना देगा। अच्छा जी, अब ये जो ड्रेस है ना, ये मैंने लिया था राबी सेंटर से। ये पूरा का पूरा ड्रेस, ये शर्ट और ये कपड़ा जो है ना मुझे मिला था 6000 का, ठीक है, दुपट्टे समेत। और इसके ऊपर जो है ना मैंने स्टिचिंग दी थी 2500 रुपीज़। तो आप खुद लगा लें अंदाज़। तो जी, ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपको सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो में इन ड्रेसेस से लेकर जो है ना वो आपको दे दूँ। जितनी भी छोटे छोटे से पॉइंट्स थे वो सारे के सारे मैं आपको क्लियर कर दूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सब कुछ। इंशाल्लाह आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी, क्योंकि मैं एक प्रॉपर सीरीज प्लान कर रही हूँ फॉर टीनेजर्स, क्योंकि मुझे देखने वालों में से एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो टीनेजर्स की है। सो स्टे ट्यून, इंशाल्लाह आपसे दोबारा फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना भी मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।